हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले के बायतो क्षेत्र की केसरिया लापला निवासी विकलांग महिला ने अपने पति और 5 बच्चों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। 5 नन्हे बच्चे और पति के साथ पहुंची महिला ने जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगल को ज्ञापन सौंपकर बताया कि कल सोमवार की रात 9 बजे मैं अपने घर में अकेले बैठी थी। इतने में पद्माराम पुत्र दुर्गाराम, जगदीश पुत्र कवराराम, रूपाराम पुत्र कृष्णाराम, कवराराम पुत्र खेताराम, रूगाराम पुत्र करनाराम, जोगाराम पुत्र करनाराम जाति जाट निवासी केसरिया व गोमाराम पुत्र रत्नाराम जाति जाट निवासी बायतुपंजी बुलेरो में सवार होकर आए और उन्होंने मेरे घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया। वहीं घर में घुसकर मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। महिला ने बताया कि जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मेरे कपड़े फाड़े और लज्जा भंग करने की कोशिश की। वहीं आरोपियों ने मेरे हाथ पांव पकड़कर गाड़ी में डालने लगे। इस दौरान मेरे नाबालिग बच्चे चिल्लाने लगे। भाई ये हम तेरा एक मुंह बुझा दियो है। हां बहुत इतने मन खत्म कर ठीक हम काम के मार रात घर में आज मेड़िया मेरे लोग इनके हाल की खेत मौके थे नहीं कर दो तो स्कूल टापर स्कूल इसको जान दे आड़े फिर मार आप मारे थे ना। हां कितना बचा था रे? बस मेरे पास है एक बस ये जार बसा के गांव रे मामले मार गांव है कोसरिया लांबला मारे सरपंच से देखो सरपंच ने क्या क्या मे मैंने बुला कर परेशान हो गया दिना मैं अरुड़ा साहब कर आया मुकदमा दर्ज कौन करे मुकदमा साहब दर्ज मैं नहीं करे मैं तो साहब नहीं आया सीधा मारे मत भी मुकदमा किया झूठा मुकदमा करे मन के केस निकल गाड़ी घर दौड़े पहुंचे मन मारी मेरे डाल लड़ाई।